अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को पूरा किया, जिसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इंदौर शहर में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही धूमधाम से की गई और अयोध्या से लाई गई गर्भगृह की मिट्टी को 5100 परिवारों को बांटा गया। दरअसल आपको बता दें कि एक और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं इंदौर शहर में बनी राम कुटिया में भी भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूरे अनुष्ठानों के साथ की गई। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले परिवारों को अयोध्या से लाई गई मिट्टी को भी कलशों के माध्यम से 5100 परिवारों में वितरित किया गया और साथ ही में करनी सेना से जुड़े पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी दी गई। सुरेश सिंह सोनगिरा ने बताया कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, 500 सालों के बाद यह दिन देखने को मिल रहा है। जिस दिन प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जब से कई ऐसे राजपूत हैं जिन्होंने चप्पल जूते और पगड़ी पहनना बंद कर दिए थे, आज वह दिन वापस आ गया है जो हम राजपूतों को सर पर पगड़ी पहनने का मौका मिला है। मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां की मिट्टी लेकर आया और मिट्टी को हम बांट रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम इंदौर वासियों को पूजने का मौका मिल रहा है। सुरेश सिंह ने बताया कि मेरी राम कुटिया में भी 14 साल का वनवास काट कर मैं आया हूँ। भगवान श्री राम संग भक्त का भी प्रवेश हो रहा है। मैं राम दरबार लेने अयोध्या गया था और लेकर आया हूँ। आज जिस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी तरह से हमने भी भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा मेरी राम कुटिया में की है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आपने भी एक आयोजन किया है, किस तरह का आयोजन? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोनगरा कुटुंब हवेली पे आप सभी का, मीडिया वाले का सभी का स्वागत अभिनंदन करूँगा, पूरे देशवासी का अभिनंदन करूँगा और पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आज बड़ा ये जो दिन है, आज हमें बड़ा खुशी के दिन है। 500 सालों के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे कई गाँव हैं जिन राजपूतों ने जिस दिन प्रभु राम के साथ ये मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तब से उन्होंने चप्पलें जूते छोड़ना बंद कर दिया, सापा पगड़ी पे पहनना बंद कर दिया था। आज वो दिन आया हमारे राजपूतों के कि सर पगड़ी का मतलब हमें सीखने का वापस उन राजपूतों का सौभाग्य हुआ कि आज उन्होंने पगड़ी पहनने का हमें मौका वापस मिला और हमें आज वो चप्पल जूते पहनने का मौका मिला हमारे राजपूत भाइयों को। किसी ने तो आवाज़ ही बंद कर ली, किसी ने कपड़े, बहुत सारे जिसने जिसको जो चाहा उसने त्याग करके इस प्रभु की इच्छा को प्रकट करने की कोशिश की, प्रभु प्रसन्न हो और हमारे ये दिन देखने को मिले। आज रूप से यहाँ पर पगड़ी भी पहनाई गई है रामलला की। हाँ, रामलला की तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी सरकार को और अमित शाह जी गृह मंत्री जी को और हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी, मैं उन्हें शुक्रिया करूँगा कि वहाँ जब मैं माटी लेने गया तो उन्हें पूर्ण रूप से मेरी मदद की, वहाँ का ट्रस्ट से मदद करके हम वहाँ की जो रज है वो मंदिर के अंदर की जो प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ से हम मंदिर ले आए और ये प्राण प्रतिष्ठा की हम जो माटी बांट रहे हैं ये बहुत सौभाग्यशाली है कि हम जो प्रभु राम ने आजीवन पूजा हम सब इंदौर वासियों को पूजने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, बेसिकली मैं इस मन में एक इच्छाई और मेरा भी वनवास बहुत एक बहुत बड़ी छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कल ही चला, मुझे 14 तारीख को एक मन में विश्वास आया कि ये जो राम कुटी बन रही है मेरी, ये राम कुटी कहूंगा मैं इसे, कि ये साल दो साल इसमें और मुझे समय लग रहा था मेरी व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन मुझे प्रेरणा हुई कि जिस दिन प्रभु राम वनवास में से आए हैं क्यों ना उनका भी राम संग राम भक्त भी प्रवेश हो, तो मैं प्रभु राम को लल्ला को लेने अयोध्या गया, राम दरबार लेके आया जो हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी है। यहाँ पे हमने विधि विधान से जिस प्रकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा हमने यहाँ पे मंदिर में रखी और साथ में एक हमने राम दरबार में अपनी राम कुटिया में लेके आया हूँ। और मेरी जरा सी डायरी मुझे देखने को मिली, अब जान के एक हैरान वाली बात यही कि मेरी शादी के बाद ये वो 13वां घर था, ये 14 घर है, तो 14 वर्ष वनवास मेरा ऐसा गया, अचानक मेरी डायरी मिली और मुझे देख रहा और फिर हमने जोड़ा भी, उस वक्त भी मेरी फैमिली की और मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गया था कि ये चीज़ें अचानक नहीं, ये प्रभु की इच्छा थी। और आज महामंत्री का पद भी आपको दिया, उसको लेकर बस मैं पद नहीं समझता हूँ, ये जवाबदारी है। पद तो क्या है, देखो ये तो राजनीतिक स्टैंड कह सकते हैं, मैं तो जवाबदारी समझता हूँ। और हमारे सिकरवार जी ये पूरे प्रदेश में काम करते हैं, पूरी इनकी टीम को देखकर सीखते हैं। और रही बात जो मुझे जवाबदारी दी है, मैं तो कहता हूँ ऐसी प्रेरणा मुझे मिलती रही इनसे, मैं इनके विचारधाराओं से जुड़ा हूँ, इनकी सोच से जुड़ा हूँ। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधि इकाई का राष्ट्र महासचिव, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधि इकाई का प्रदेश अध्यक्ष भी। धन्यवाद। बताएं आज किस तरीके से आयोजन किया गया?
आज आप सबको पता है, आज अपने सबको क्या पूरे विश्व को पता है कि आज 22 जनवरी के दिन रामलला जो अयोध्या के अंदर 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। और ये हमारे सुरेश सिंह जी सोनग्रा की एक पहल कि हर व्यक्ति की नज़र तो अयोध्या के ऊपर है, लेकिन इनके दिमाग में एक अलग ही आइडिया आया, एक अलग विचार आया कि क्यों नहीं वहाँ की रज को लेकर के मध्य प्रदेश की धरा पर लाया जाए। और वहाँ से रामलला को भी लेके आए हैं, पूरे दरबार को आप लेके आए हैं और यहाँ पे विराजमान किया है। 5100 कलश जो आप वहाँ की रज लेके आए हैं, 5100 घरों तक जाएगी, वो 51 घर पवित्र होंगे, 5100 घर हैं। जिस तरह से हम हरिद्वार के अंदर जाके हरिद्वार का जो जल लेके आते हैं अपने घर में, उसको छिड़कने से कहते हैं कि जो भूत प्रेत आत्मा या गलत जो भी अपने घर में वो रहती है नेगेटिव विचारधारा, वो चली खत्म हो जाती है। उसी तरह से अगर हमारे घर के अंदर अयोध्या की लाई हुई पावन धरा पर ये मिट्टी अपने घर में रखकर हम अगर पूजन करेंगे तो आने वाले समय में हमारे घर में परिवार में सब में सुख शांति रहेगी। यह इनका एक अलग विचार था। अरे इसी विचारधारा को मैं नमन करता हूं कि आपके मन के अंदर पूरा यह विचार आया और इस विचारधारा के माध्यम से आज इंदौर की धरा पर यह इन्होंने जो आयोजन किया है, मैं इसके लिए पूरे परिवार की तरफ से, पूरी सेना की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे मध्य प्रदेश को ही पावन कर दिया। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी कई दिलीप सिंह मेहरोली ब्यूरो रिपोर्ट।